बहुत भारी यार, खोलो भाई। ये क्या देखो दोस्तों, चार जोड़े थे और बड़ी बदतरीन तरीके से मारे। तुम्हारे को एक गुड न्यूज देनी थी। क्या? तुम्हें पता है क्या? तुमने कबूतरों को तो नहीं देखा होगा, हमारा पेयर जो हमने बनाया था माशाल्लाह से बन गया है, जोड़ा पूरा पेयर कंप्लीट बन गया है वो, और उन्होंने माशाल्लाह से। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो मैंने इनको खोल लिया। हाँ परी हो ना? कहाँ से परी हो? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई मैंने उनको भी डाल दिया है, इनको भी डाल दिया है, इसको खुला हुआ है अभी, बगैर सबका दाना पानी कर दिया तकरीबन। हसन गया होता किसी काम से, देखो अब आता है तो बताता पर क्या कहाँ गया होता। बहुत भारी यार, खोलो। मेरा हाथ गंदे है। अरे खोलो यार, मेरे तो दोनों हाथ, कैसे खोलूंगा भाई। इधर ही रखो, इधर ही रखो भाई। ये कहाँ से आया? हाँ नहीं पहचाने क्या हो गया? देखा वाला तो लग रहा था मेरा बचीस नहीं लाया था। हाँ वो दोस्त क्या से वही पिंजरा है भाई। अच्छा और यार ये देखो भाई, ये क्या देखो अरे निकाल के दिखाऊं दोस्तों को भी। तो यार ये मेरी भी नजर ना अभी पड़ी है, उन्होंने दिया अभी। हुआ क्या पूरा सीन में बताता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, बजी की गर्दन पूरी अलहदा पड़ी हुई है, देख रहे हो? करीब से दिखाओ नहीं दिखाओ, ऐसी तकलीफ हो रही है इसको देख देख के, पूरी गर्दन अलहदा पड़ी हुई है और खोल है खाली हो चुका है, दिमाग तक खा गए अंदर से। किसने खाया? उल्टियां। तो यार सीन कुछ यूं था, मेरे को ये ना तुम जानते हो, तो दोस्त जो है मेरा हारिस, तो उसके घर वालों ने दिया ही है, तो उसकी मम्मा ने बोला है ले जाओ, क्योंकि वो केयर नहीं कर पा रहा, और वो आज दो दिन पता नहीं कहाँ कहीं चला गया था कराची वगैरह, तो उनके घर वाले तो संभाले नहीं जा रहे थे ये। तो दोस्तों इन पे बिल्ली ने शदीद किस्म से हमको हमला करा, देख रहे हो गर्दन अलग। दूसरा लगा है, कौर तो भी था, सारे मर गए भाई। तकरीबन चार जोड़े थे तुम्हारे, दिखाए थे ना मैंने, तुम्हारे को बताया था शायद, तुमने देखी नहीं थी। दोस्तों चार जोड़े थे और बड़ी बदतरीन तरीके से मरे, और वो बता रहे हैं कि बस बिल्ली ने छोड़ा ही नहीं है, रात ही रात में एक एक को खा गई वो। उन्होंने तो काफी ज्यादा फेंके, ये कोई उठा नहीं पा रहा था, फेस था ना मुंह, तो हर कोई डर रहा था यार, क्योंकि वो देख रहे हो तुम, वो हम तो उठा लेते हैं फिर भी, हमारा है इनसे इतना ताल्लुक। वो हमदा यकीन मान, मेरे को ऐसा दुख हो रहा है यार कि पूरी भरी हुई थी दोस्तों ये, अंडे भी दिए हुए थे उन्होंने और शायद एक दो बच्चे भी निकले हुए थे, सारा कुछ बिल्ली ने मार दिया, मतलब हम तो संभाले नहीं गए। तो इस वजह से उन्होंने बुलाया हमदा, उन्होंने बोला बेटा हमसे तो नहीं संभलेंगे, ये पिंजरा तुम ले जाओ अंडा, ये वापसी लाके डाल देगा और कहानी खराब होती रहेगी, बिल्ला खाता रहेगा ऐसे आगे, क्योंकि उसको जगह दिख गई ना एक बार। उन्होंने बोला बेटा हम ये खत्म ही कर रहे हैं इस चीज़ का, तो ये पिंजरा हमारे भी काम करें, तो मैंने उनसे ले लिया है पिंजरा। बाकी उन्होंने खुद ही ने बुला के दे दिया, मैं तो नहीं किया था, उन्होंने बुला के मुझे पिंजरा दे दिया, बोला ये आप ले जाओ। ये बताओ अभी कहाँ रखूँ इसको? अभी तो फिलहाल इसे धूप में रख दो, इधर ही धूप आए ना सुबह, बाकी इसको थोड़ी धूप लगे तो जरा। पिंजरा सही है यार, इसके अंदर कुछ रैबिट भी रख सकते हैं अपन, नहीं बच्चे यार। एक आइडिया आ रहा है मुझे, क्या कल कर देंगे वो, क्या इसके अंदर क्वेल डाल देंगे पटेल। हाँ ये है ना, एक साइड पे सुकून से। तुमने सेटअप कहाँ तक पहुँचाया? सबको डाल दिया, डाल दिया खाना। हाँ सबको डाला। और यार तुम्हारे को एक गुड न्यूज देनी थी। क्या? तुम्हें पता है क्या? तुमने कबूतरों को तो नहीं देखा होगा यार दोस्तों, हमदा को नहीं पता, इनको तो डाल दिया मैंने, आप लोगों को पता है, तो इनको नहीं डाला, क्योंकि इनको मैं ही डालता हूँ ज्यादातर दोस्तों, ऊपर जो है ये मुर्गी के हमारे ऊपर जो है, तुम्हारे को गुड न्यूज दूँ, समझ तो गए होगे तुम जब मैंने गुड न्यूज दी। समझ तो ये यही काम माशाल्लाह माशाल्लाह से, यार मेरा गला खराब हो रहा। वो देखें हमारा पेयर जो हमने बनाया था माशाल्लाह से बन गया है, जोड़ा पूरा पेयर कंप्लीट बन गया है वो, और उन्होंने माशाल्लाह से दोनों के दोनों अंडे दे गए हमें। एक अंडा इन्होंने परसों दे दिया था, परसों से दिया, मेरे दिमाग में नहीं यार, मैं देख कर गया हूँ, अब मैं भूल गया क्योंकि बैठी तो रहती है इतनी वो। बाकी एक अंडा दोस्तों इन्होंने आज दिया सुबह में, तो हमजा को भी नहीं पता थी ये बात, तो माशाल्लाह से देखो यार। और इसका मकसद हमजा ये हुआ कि हमने सही पेयर लगाया है, सही पेयर लगाया, नर मादा दोनों थे, अंडे आ गए। अब दोस्तों ये भी माशाल्लाह से जल्द बचे, यार मादा बड़ी कितनी है माशाल्लाह साइज में, ये देखो ये नीचे गिरा के खा रहे हैं यार, ये बताए ये काम करे, बाजरा थोड़ा सा उठा और ये दाना डाला यार, ये यहीं खाएंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे।
वो देखो ना फेंक दिया उन्होंने, अभी अपन आए हुए ना तो डर रहे हैं, अब हम आगे पीछे होंगे ना तो ये खुद खाएंगे। खैर दोस्तों ये अंडों पे बैठी हुई है, अंडे अब मैं क्या दिखाऊं उन पे, वो नीचे बैठी हुई है बिल्कुल। अभी अगर मैं हल्का सा हाथ भी करूंगा ना, खैर ये काट नहीं रहे, ये शुगर है, बाबा बैठी है, बाबा बैठे रहने दो। तो दोस्तों पूरे दोनों अंडे आ गए, तो ये अच्छी बात है माशाल्लाह से यार। खैर बाकी यार इनको आप ढक देते हैं, ये अंडे अपने सेके हैं बैठे हैं, बाकी दाना पानी जो सबको डाल दिया ना, सबको डाल दिया यार नीचे वाला, जो मोबाइल दो। तो यार दोस्तों हमारा जो दाना पानी है ना वो तो पड़ा हुआ था, पर हमारा दाना खत्म हो गया है आज। ये देखें पूरे का पूरा दाना एंड हो गया, पूरा मुक गया, सिर्फ हमारे पास ये दाना पड़ा है जो कि हमारे बजिस का है, जो जिसमें फार्मूला मिला हुआ है। तो बजिस का दाना आज हमें डालना पड़ेगा कबूतरों को, क्योंकि कबूतरों का दाना जो है बिल्कुल एंड हो गया है। तो मैंने इनको तो डाल दिया था ऊपर वालों को, और इनको भी डाल दिया था लेकिन उन्हें फेंका हुआ है, पर इनमें से कुछ रह गए थे, जैसे ये देखें ये रहते हैं ये, तो इनको थोड़ा बहुत मैं डाल के यार फारिग करूँ, बेचारे भूखे बैठे हैं। और अभी मैं क्या हुआ, कौन वो भाई ऐसे ही नहाते हैं, इनको यार जगह चाहिए मिट्टी में, यहाँ जगह सही नहीं हो रही, अपन वो मिट्टी का ना एक अच्छा सा बना देंगे फिर से। ये देखें कहाँ नहा रही है दोस्तों हमारी मादी, माशाल्लाह इसने अंडे अंडे दिए है, रोक दिए अभी दिया है, कहाँ अंडा रख दिया नीचे। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारे जो हीरा के ब्रिज के है ना, तीन अंडे आ गए हमारे पास, और दो तो बीच में अभी आ गए थे, आज एक और अंडा दे दिया, तो माशाल्लाह तीन आ गए, और उससे पहले शायद तीन दे चुकी है ना, छह टोटल अंडे हो गए इससे हमारे पास, और तीन तो हमने रखे हैं उधर, और शायद वो खराब हो सकते हैं कुछ पता नहीं है। तो यार अभी अभी मेरी पिजन के बेबी पे नजर पड़ी दोस्तों, इनका पिजन सेटल नेट का मारे, वो देखें कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, वो बैठा हुआ अभी, इसकी दोस्तों आंखें नहीं खुली हैं, बड़ा तो हो गया माशाल्लाह साइज में काफी, लेकिन आंखें नहीं खुली हैं। तो इसकी जैसी आंखें खुलती हैं दोस्तों फिर मैं बाहर निकालूंगा इसे, हाथ में बैठाऊंगा और आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा माशाल्लाह से, बस ये अच्छी ग्रोथ कर ले फिर दिखाऊंगा, बट अभी आंखें नहीं खुली हैं भाई। बाकी यार इनके जो माँ बाप है ना उनमें से भी इसकी माँ जो है बहुत खतरनाक है, ये पिजन्स की जो अम्माएं होती है ना पता नहीं क्यों इतनी खतरनाक हो जाती है अंडों के बाद। यार दोस्तों हमारे पास जो है वो कैमरा मैन आ गए इरफान खान, तो कैमरा वगैरह लेकर आ, कौन सा कैमरा भाई, A7 III। तो यार दरअसल ये आया था किसी काम से दोस्तों, और जा रहा था, मैंने इसको कब से बोला हुआ है कि मेरी यार कुछ फोटो शूट्स करनी थी, और कुछ अपने जो हमारे पैरोट्स हैं यहाँ, पैरोट्स बोल रहा हूँ बर्ड्स हैं, उनके साथ कुछ तस्वीरें निकलवानी थी मैंने अच्छी अच्छी। तो देर हो रही है यार, मगरिब का टाइम है दोस्तों, ढलने वाला है बस सूरज किसी वक्त भी, और अजान स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए आज मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, ताकि फिर यार कपड़ा वगैरह भी लाया हूँ जल्दी से हम शूट कर लें अच्छी सी प्यारी प्यारी, और तस्वीरें फिर मैं डाल दूंगा आप लोग देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाकी दोस्तों कमेंट में लाजमी बताएगा कि हमारे जो न्यू जो यहाँ पे हमने अपने डाले हैं पिजन्स, उनके जो अंडे आए हैं क्या उनमें से बच्चे निकलेंगे, आप लोगों को क्या लगता है, और वो प्यार आप लोगों को कैसे लगे, क्या देख रहे हो इतनी गौर से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। तो मैं किसके साथ कराऊं, मैं मुर्गों के साथ करा लेता शूट, करा लो किसी के साथ भी करा लो, करनी है।